राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए आपका आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज है, मैं आपको दिखा रही हूँ आउटफिट ऑफ द डे। ये प्लाजो पैंट सूट पहन लिया था, साथ में पहनी थी रिंग, ईयर रिंग्स, लिपस्टिक का शेड आपको दिखाया है। दुपट्टे पे देखिए किनारे पे गोटा लगा हुआ है और प्लाजो का जो नीचे पोछा होता है उस पर भी गोटा लगा हुआ है। साथ ही देखिए वेयर कर ली थी अपनी कमर पे बेल्ट। जैसे कहते हैं ना कि कमर कस लो काम करने के लिए, वही मैं करती हूँ। किचन का काम शुरू कर दिया है। पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। आधा पनीर मैंने क्यूब्स में काटा था। और सब्जी की तैयारी हो चुकी है। देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर, रेड चिली और लहसुन का पेस्ट बना लिया था। इसको सरसों के तेल में अच्छे से पका करके पेस्ट बना के फ्रीजर में रख दिया था, जिससे कि टमाटर खराब ना हो। और ये किसी भी सब्जी में आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे देखिए आलू काट के रख दिए हैं। और जो सोयाबीन होता है उसको कोई गर्म पानी में सुबह ही भिगो दिया था, अभी अच्छे से फूल गई है। इस सब्जी के लिए प्याज को और एक दो हरी मिर्च छोटे छोटे उसको भी क्रश करके रख लिया है चॉपर में। साथ में जो ड्राई मसाला है, इंडियन बेसिक मसाला, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, इस सब को भी एक दो चम्मच पानी डाल के पेस्ट बना के रख लिया है। साथ ही ये हींग है, हींग को भी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। साथ ही बनाऊंगी एक और सब्जी, पनीर भुर्जी। उसके लिए पनीर, आधा पनीर क्यूब्स में क्रश किया है, कट कर लिया है और आधे को ऐसे क्रम्पल कर लिया है। साथ ही ये दूध जो था वो फट गया था थोड़ा सा, तो उसका भी जो पार्ट है बच गया था, उसको मैंने स्टेन करके यहाँ पे अच्छे से रख लिया था। और ये दूध है, इतने से दूध की देखिए ना चाय बनेगी ना कोई इसको पिएगा, तो मैं क्या करूंगी इसको पनीर भुर्जी में डाल दूंगी। पनीर भुर्जी के लिए प्याज थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। आइए चलिए अब तड़का लगा देते हैं। दोनों ही गैस यूज कर लोगे। यहाँ पे कुकर रख दिया है आलू और सोयाबीन के लिए, और वहां पे वो कढ़ाई रखी है पनीर भुर्जी के लिए। तड़के से है मुझे थोड़ी एलर्जी, तो मास्क लगा के कई बार तड़का लगाना पड़ता है। हरी मिर्च का ज्यादा काम है तो ज्यादा धास उठती है। ऐड किया है जीरा, हींग, साथ ही ऐड कर देंगे प्याज कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। अच्छे से उसको स्टर करके लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। साथ ही हम पनीर भुर्जी का भी तड़का शुरू कर रहे हैं। इसमें भी प्याज ऐड कर दिया था। सभी प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस क्या कलर हो गया प्याज का। जो टमाटर पेस्ट है अब उसको ऐड करने का टाइम हो गया है। दो चम्मच टमाटर पेस्ट हम आलू और सोयाबीन बड़ी में ऐड करेंगे। एक से डेढ़ चम्मच पनीर भुर्जी में। आलू भी जो है मसाले के साथ मैंने भूनने के लिए डाल दिया था, जिससे कि जो मसाले हैं उसका फ्लेवर आलू में अच्छे से मर्ज हो जाए। अगर आप मसाले को कच्ची सब्जी के साथ भून लेते हैं तो अच्छे से उसका फ्लेवर एनहेंस हो जाता है। साथ ही ऐड कर देंगे सोयाबीन, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे मसाले के साथ। अच्छे से स्टर करते रहेंगे। उधर पनीर भुर्जी में भी हमने पनीर जो है वो ऐड किया है, दूध ऐड कर दिया था। अच्छे से स्टर करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। मसाले के सारे फ्लेवर्स इसमें अब्जॉर्ब हो जाएं। साथ ही ऐड किया था पनीर भुर्जी में सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सोयाबीन बड़ी में भी नमक ऐड कर दिया था। साथ ही अब इसमें ऐड कर देंगे गरम पानी धीरे धीरे करके, जितनी ग्रेवी जितनी आपको थिकनेस चाहिए सब्जी की उस अकॉर्डिंग आप इसमें गरम पानी ऐड कीजिए। पनीर भुर्जी बनके रेडी हो गई थी तो गैस बंद कर दिया था।
ऐड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी। इसी टाइम पे आप नमक भी टेस्ट कर लीजिए। अच्छे से उसको मिक्स करके दोबारा कुकर लगा के उसका ढक्कन लगा दिया है। 2 सीटी आने तक हम इसका प्रेशर कुक कर लेंगे। पनीर भुर्जी बनके रेडी हो गई है। इसमें से जो टमाटर पेस्ट बच गया था उसका मैं वापस फ्रीजर में रख दूंगी। काम करते करते देखिए जो बर्तन इकट्ठे होते हैं वो मैं साथ साथ धो के वॉश करके रख देती हूँ। वैसे तो मेड आती है सुबह, एक ही टाइम आती है वो, तो साथ साथ जितने मेरे से हो सकते हैं मैं उतना उनको वॉश करके रख देती हूँ। इकट्ठे नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ जितने साफ हो जाए उतना अच्छा है। किचन छोटा है, सिंक भी छोटा है, तो ज़्यादा अगर वहाँ पे बर्तन होंगे तो बहुत ऑड लगता है। साथ ही बना लिए थे गर्मा गर्म फुलके, सिंपल गेहूं के फुलके हैं। आटे में मैं नमक या कोई और चीज़ बिल्कुल नहीं ऐड करती हूँ। नमक जितना सब्जी में होता है वही सफिशिएंट रहता है। ज़्यादा करारा नहीं करती हूँ मैं फुलका, ज़्यादा करारा करने से वो स्टिफ हो जाता है। अगर आप कम सेकेंगे तो वो काफ़ी देर तक नरम रहता है। फुलका अगर फूल गया है तो इसका मतलब है कि वो अंदर से पक गया है। तो आइए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लेटिंग कर दी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू ऑल। ग्रेटिट्यूड।